तो आज की इस वीडियो में दोस्तों हम वॉक अराउंड करने वाले हैं टाटा की नेक्सॉन जो कि टॉप मॉडल है, एक्सजेड प्लस ऑप्शनल जो कि वेरिएंट आता है उसका वॉक अराउंड करने वाले हैं, जो कि आप देख सकते हैं आर्मी वाला जो कि कलर आया था, इनका एक्स्ट्रा कलर जो कि आया था, एक नए लुक में आया था, काफ़ी फेमस हुआ था ये ग्रीन कलर दोस्तों कह सकते हैं आप इसको। चलिए तो देखते हैं इसकी वीडियो। ये दोस्तों इसका बाहर से लुक है, इस पर पियानो ब्लैक फिनिश में जो कि है ओ आर बी एम मिल जाता है, साइड इंडिकेटर इसमें फिटेड है, 16 इंच के अलॉय व्हील मिल जाते हैं डायमंड कट इसमें आपको, और ग्राउंड क्लियरेंस की बात करें तो 209 mm की ग्राउंड क्लियरेंस है दोस्तों, काफ़ी अच्छी और इस सेगमेंट की काफ़ी अच्छी जो की है ग्राउंड क्लियरेंस इसमें मिल जाती है आपको। बैक से लुक देखेंगे तो बैक से भी काफ़ी शानदार लुक दी गई है। पहले नेक्सॉन की जो कि बैजिंग है वो साइड पर दी जाती है और जो कि जो भी वेरियंट होता था उसका भी नाम लिखा होता था, लेकिन अब नेक्सॉन पीछे में कर देगा और वेरिएंट का कोई भी नाम नहीं है। तो ये देख रहे हैं आप इसके बैक लुक। अगर दोस्तों इस चैनल पर आप पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन दबा दी ताकि आने वाली वीडियो का जो कि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे दोस्तों। अगर दोस्तों आप चाहते हैं मैं शक्ल दिखाने के लायक हो जाऊँ इस चैनल पर तो 1000 सब्सक्राइबर पूरे करवा दीजिए दोस्तों। आज इस पर 313 सब्सक्राइबर हैं और 1000 सब्सक्राइबर हो जाएंगे तो उसके बाद मैं चेहरा दिखाने के लायक हो जाऊंगा दोस्तों। हालांकि आपको मजाक लग रहा होगा लेकिन मजाक नहीं कर रहा हूँ, ये मेरा टारगेट है कि जब तक 1000 सब्सक्राइबर नहीं होते तब तक मैं फेस वाली वीडियो नहीं बनाऊँगा दोस्तों। चलिए तो देख सकते हैं आप यहाँ से, काफ़ी अच्छा लुक है इसका, बाहर से काफ़ी अच्छा लुक मिल जाता है और सेफ्टी फीचर तो काफ़ी शानदार मिल जाते हैं। अगर आप बेस वेरिएंट भी लेते हैं तो आपको काफ़ी अच्छे लुक के फीचर मिल जाते हैं दोस्तों, इसमें सेफ्टी फीचर काफ़ी अच्छे मिल जाते हैं। ये फ्रंट से आप लुक देख रहे हैं दोस्तों, काफ़ी शानदार लुक मिल जाती है इसके फ्रंट से, ट्राई एरो की जो कि डिज़ाइनिंग दी गई है फ्रंट ग्रिल पर, अलॉय व्हील्स काफ़ी शानदार मिल जाते हैं, साइड इंडिकेटर्स और प्रोजेक्टर हेडलैम्प के साथ काफ़ी अच्छा लुक इसका लगता है। और एक और खास बात हो तो प्रोजेक्टर हेडलैम्प जो कि आपको बेस मॉडल में मिल जाते हैं, अगर इसका बेस मॉडल लेते हैं तो वो उसमें भी आपको प्रोजेक्टर हेडलैम्प मिल जाते हैं जो कि एक बहुत ही अच्छी बात है दोस्तों। कुछ ऐसे फीचर भी हैं दोस्तों जो कि बेस मॉडल से आपको मिल जाते हैं, काफ़ी जो कि फीचर जो कि शानदार फीचर हैं दोस्तों उनके बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले दो एयर बैग आपको मिल जाते हैं स्टार्टिंग मॉडल में ही, ABS CVT ब्रेकिंग सिस्टम मिल जाता है, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम, इलेक्ट्रॉनिक ट्रैक्शन कंट्रोल रोल ओवर मिटिगेशन, इमरजेंसी ब्रेक असिस्ट, हिल होल्ड कंट्रोल, इलेक्ट्रॉनिक ब्रेक प्रीफिल, ब्रेक डिस्क वाइपिंग जैसे दोस्तों स्टार्टिंग मॉडल से आपको फीचर मिल जाते हैं। इसके बाद रियर डिफॉगर भी आपको मिल जाएगा स्टार्टिंग मॉडल में ही, आईसो बिकिंग कोर पॉइंट जो कि आपको सीट चाइल्ड सीट के लिए मिल जाते हैं दोस्तों। इसके बाद आपको बात करें तो तीन मोड जो कि ड्राइविंग मोड हैं इको सिटी और स्पोर्ट्स के भी इसमें दोस्तों मिल जाते हैं, जो कि एक गाड़ी को जो कि शानदार जो कि बनाते हैं, काफ़ी सेफ्टी फीचर जो कि हैं शानदार इसमें दिए गए हैं दोस्तों। इंटीरियर की बात करें तो इंटीरियर में बहुत ही शानदार फीचर आपको मिल जाते हैं, इंटीरियर लुक देखेंगे तो काफ़ी शानदार इसमें ड्यूल टोन कलर में काफ़ी शानदार लुक मिल जाता है जो कि प्रीमियम इसको बनाता है, काफ़ी फ्लैट बॉटम स्टेयरिंग दोस्तों इसमें मिल जाता है आपको, हारमन का म्यूजिक सिस्टम मिल जाता है इसमें आपको, आयरा जो कि है ऐप भी मिल जाती है कनेक्टिविटी की अगर ऑप्शनल मॉडल में जाते हैं आप, और सनरूफ दोस्तों बात करें सनरूफ में अब दो मॉडल आ चुके हैं इनके, एक एक्सजेड प्लस एस आ गया और एक एक्सजेड प्लस ऑप्शनल आ गया दोस्तों, दो वेरिएंट इसमें निकाल दिए गए हैं। अगर आप एस वेरिएंट लेते हैं तो आपको एस वेरिएंट में काफ़ी फीचर दोस्तों मिल जाते हैं, उनके हम आगे डिस्कस करेंगे दोस्तों।
XZS में कौन कौन से फीचर मिलते हैं तो जान लेते हैं। टायर प्रेशर मॉनिटरिंग मिल जाता है, सनरूफ आपको मिल जाता है, ऑटो हेडलैम्प मिल जाते हैं, रेन सेंसिंग वाइपर मिल जाते हैं, क्रूज कंट्रोल और एक्सप्रेस कूल जैसे फीचर आपको मिल जाते हैं दोस्तों XZS में। प्राइस का थोड़ा सा डिफरेंस है इसमें, लगभग 20-30 हज़ार का डिफरेंस है। इसका आप कंफर्म कर लेना, अभी कंफर्म नहीं है तो मैं एक बार आइडिया बता दे रहा हूँ आपको। अगर आप XZ+ ऑप्शनल लेते हैं, यानी कि जो S से ऊपर वाले वेरिएंट बोले थे, तो उसमें आपको आयरा मिल जाती है, ट्राई मिल जाती है, जियो फेंसिंग का ऑप्शन मिल जाता है, WAT 3 WAT जो कि नेविगेशन सिस्टम है, जो एक्स्ट्रा काफ़ी शानदार फीचर है दोस्तों इसमें दिया गया है नेक्सॉन ऑप्शनल में। तो ये फीचर आपको मिल जाते हैं, इनमें थोड़ा सा प्राइस का डिफरेंस है। अगर आप को ये ऐप वाला कार कनेक्टिविटी वाले फीचर नहीं चाहिए तो आप XZS में भी जा सकते हैं दोस्तों, अगर ऑप्शनल नहीं लेना है। अगर आप सनरूफ भी नहीं चाहते हैं तो आप XZ+ वेरिएंट को देख सकते हैं दोस्तों। हरमन कंपनी का दोस्तों म्यूजिक सिस्टम दिया गया है, अगर आप इसके म्यूजिक को फील करना चाहते हैं तो प्लीज़ ईयरफोन का यूज़ ज़रूर करें।